सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज दिन है बृहस्पतिवार। आज के दिन हम चर्चा करते हैं वास्तु से जुड़ी हुई और आज हम आपको बताएंगे कि वास्तविकता में वास्तु है क्या, एनर्जीज क्या होती हैं, इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वास्तु एक्सपर्ट मनु गुप्ता जी। शुभारंभ करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम का, बात करेंगे मनु जी के साथ। मनु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार मनु जी, वास्तु में एनर्जीज क्या होती हैं ये आप हमें डिटेल वाइज बताएं। देखिए, वास्तु को समझने से पहले ये एनर्जीज को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एनर्जीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने यह पढ़ा है कि ऊर्जा जो है वह स्थिर है, ब्रह्मांड की ऊर्जा वह स्थिर है, यह सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परावर्तित होती है। इसको न तो हम बना सकते हैं न ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी सिद्धांत पर हमारा सारा वास्तु टिका हुआ है। अगर हम ऊर्जाओं की बात करें कि जैसे पूर्व दिशा से पॉजिटिव एनर्जी आती है, अलग अलग दिशाओं से एनर्जीज आती हैं, तो इनको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये ऊर्जाएं हम किस तरह से अपने अनुरूप बना सकते हैं। अब एक दूसरा इसका एग्जाम्पल और है कि कोई भी चीज़ तब तक घटित नहीं होती जब तक कि उसके पीछे कुछ रिएक्शन या कुछ एक्शन नहीं हो। जैसे हमने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसी भी एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आ रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो उसके पीछे सिर्फ कारण यही है कि हमारे पास्ट में कुछ घटना घटी जिसकी वजह से आज हम उस कष्ट को भोग रहे हैं या हम खुशी को भी भोग रहे हैं, ये दोनों के पीछे सेम ही रीज़न होता है। जी, जैसा कि हमने भी सुना है कि मनु जी चार दिशाएं होती हैं, ये एनर्जीज किस प्रकार की देती हैं ये भी आप हमें बताएं। देखिए, जो दिशाएं हैं हमारी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा से हमारी सूर्य का प्रतीक होता है, सूर्य हमारा पूर्व दिशा से उदित होता है, तो हमारी जितनी भी सकारात्मक रश्मियाँ हैं वह घर में पूर्व दिशा से ही आती हैं। फिर इसके बाद हमारी पश्चिम दिशा हुई, पश्चिम दिशा में हमारी वायु की दिशा होती है और इसी तरीके से हमारी जो उत्तर दिशा है वह उत्तर दिशा या ईशान कोण हम कहते हैं, तो ईशान कोण हमारा जल का प्रतीक होता है और वायव्य कोण जो होता है हमारा वह वायु का होता है। इसी प्रकार से हमारा जो आग्नेय कोण है साउथ ईस्ट, तो आग्नेय कोण में हमारा जो है अग्नि या हम किचन का हम वास कराते हैं, किचन हमें स्थापित करनी चाहिए। इन दिशाओं के विषय में आपने बताया, ये काम किस प्रकार करती है ये भी आप हमें बताएं। देखिए, जब हम किसी सही दिशा में, ये सब वास्तु पुरुष की स्थिति के अनुसार ही होता है, जैसे वास्तु पुरुष की स्थिति है किसी प्लॉट के ऊपर, किसी ज़मीन के ऊपर, उसी के अनुसार हमें घर में अपने जो किचन है, हमारा ड्राइंग रूम है, हमारा ब्रह्म स्थान है, वो स्थापित करना चाहिए। जैसे किचन हुआ, तो किचन में बेसिकली हम लोग हमेशा आग्नेय कोण या पूर्व में ही हमें स्थापित करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि जैसे हम ब्रह्म स्थान की बात करते हैं, वास्तु पुरुष का ब्रह्म स्थान उसका मर्म स्थान है, यानी कि उसका पेट है। तो अगर हम पेट पर किचन को रख देंगे, ब्रह्म स्थान में किचन बना देंगे, तो इससे होगा यह कि वह वास्तु पुरुष अजीब फील करेगा, वह परेशान फील करेगा और इसकी परेशानी आपके जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, घर में रहने वाले सभी लोग हैं, उनको धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, परेशानियां शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात, किचन की गलत होने की वजह से अगर हम किचन की स्थापना सपोज पश्चिम दिशा में कर देते हैं, तो यह स्त्रियों के लिए भी परेशानी कारक रहता है, उनको विभिन्न प्रकार के रोग दे देता है। मनु जी, वास्तु पुरुष क्या होता है ये आप हमें बताएं। देखिए, वास्तु पुरुष के विषय में एक मत्स्य पुराण और हमारे शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। इसके अनुसार अंधकासुर नामक एक राक्षस था जिसने बहुत परेशान किया हुआ था सारे लोगों को, और शिव जी से उसका एक बार युद्ध हुआ।
तो जब भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध हो रहा था, तो भगवान शिव के माथे से कुछ पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उस पृथ्वी पर पसीने की बूंदों की गिरने की वजह से एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उस मनुष्य ने उस अंधकासुर नामक जो राक्षस था उसके रक्त को खाना शुरू कर दिया, और जब वह धीरे धीरे खाता चला गया और उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया तो उसकी भूख नहीं मिटी, और इस वजह से उसने बाकी तीनों लोकों पर भी ह्रास करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसने देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक की तरफ बढ़ने की कोशिश करी तो देवताओं में तराही तराही मच गई। उन्होंने कहा कि ये तो सर्वनाश हो जाएगा अगर ये पुरुष हम सबको खा लेगा या हम सबको ख़त्म कर देगा। तो वो फिर भगवान ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे ये वास्तु, तो उन्होंने कहा कि आप सभी देवलोक, सभी देवता इस वास्तु पुरुष को, इस मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर औंधे मुंह गिरा दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने उसको औंधे मुंह गिराया, वह सब देवी देवता उसके ऊपर बैठ गए, और जब वह मनुष्य परेशान हो रहा था तो उसने ब्रह्मा जी को कहा कि मैं तो आपका मानस पुत्र हूँ, तो आप मुझे ये कष्ट क्यों दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसकी इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसको कहा कि आज से तुम्हारा वास इसी पृथ्वी पर होगा, और जो भी मनुष्य यहाँ ग्रह निर्माण करेंगे वह सभी ग्रह निर्माण या भूमि खरीदने से पहले भूमि पूजन और फिर ग्रह बनाने के बाद वास्तु पूजन करेंगे, और उसमें जो भोग लगेगा वही तुम्हारा भोजन होगा। जी, यह कथा रही। इसमें एक श्लोक भी आता है, वास्तु पूजाम प्रकूरवीत ग्रहारंभे प्रवेशने च वास्तु पूजाम अकूर्वाणः तवाहारो भविष्यते। अर्थात यदि कोई भी मनुष्य भूमि खरीदने के बाद, भवन निर्माण करने के बाद अगर वास्तु की पूजा नहीं करता है, वास्तु पुरुष की पूजा नहीं करता है, तो वह हर प्रकार से उसके जीवन में कष्ट और रुकावटें आएंगी और वह मृत्यु को प्राप्त होगा। जी, बहुत सुंदर कहानी आपने हमें बताई है। एक विशेष प्रश्न यहाँ पर और उठता है, कहते हैं पांच तत्वों से मिलकर मनुष्य का निर्माण हुआ है, क्या वो पांच तत्व वास्तु में भी निहित हैं, आप हमें बताएं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही मौलिका जी आपने जी, जी। कि हमारा जो शरीर है वह भी पांच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश है। आखिरकार सभी मनुष्यों को इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाना है और इन्हीं तत्वों से हमारी उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से अगर हम वास्तु की बात करें, अगर हम घर की बात करते हैं, तो वास्तु में भी यही पांच तत्व विद्यमान रहते हैं। इन्हीं की ही हम लोग इन्हीं को बैलेंस करते हैं, ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इनके बैलेंसिंग सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार कार्य करते हैं ये तत्व पांच, चूंकि मनुष्य का शरीर भी इन पांच तत्वों से बना है, और साथ ही साथ अब जो ज्यादातर लोग जो हैं वास्तु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे इसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा हमें जरूर बताएं। जी देखिए, ये पांच तत्वों को बैलेंस करना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए सही मात्रा में भोजन करना, बाकी सारी चीजें करना। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, देखिए वास्तु और ज्योतिष। जनरली सभी लोग क्या करते हैं कि ग्रहों की पूजा करते हैं या हम ग्रहों का कुछ निवारण करते हैं ताकि उनकी एनर्जीज हमारे अनुकूल हो सकें। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, यानी कि ये पांचों ऊर्जाएं अगर इम्बैलेंस हैं, तो इम्बैलेंस होने की वजह से जो वास्तु पुरुष है वह डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने की वजह से जो हमारे ग्रह हैं वो हमें अनुकूल फल देते हुए भी हमें फल नहीं दे पाते। जैसा कि आपका कहने का अर्थ ये है कि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वहाँ पर ग्रहों का भी समावेश होता है। हाँ बिल्कुल, ग्रहों का समावेश होता है जी। वास्तु के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशा जो है, जैसे सूर्य, सूर्य उदय पूर्व से होता है, और सूर्य ही ग्रह हमारी ज्योतिष में है, कुंडली में है। या हम गुरु की बात करते हैं तो वह ईशान कोण में विद्यमान रहते हैं, और यह सबसे शुभ दिशा होती है जी। और इनकी दृष्टि नैऋत्य कोण पर पड़ती है जो कि हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होता है, होता जी। तो यहीं पर ही हमारे जो
घर के कमाऊ पुरुष हैं जिनको हम बोलते हैं, मुखिया, अर्निंग मुखिया हैं जिनको हैं, मुखिया को वास करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बातें मनु जी आप हमें बता रहे हैं। अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी साथ ही साथ नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप जल्दी से उन्हें नंबरों पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। नो जंक फूड जी, करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और आज इसमें इस खास कार्यक्रम में वास्तु जुड़ी जानकारियां दे रही हैं, और ये तमाम जानकारियां लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वास्तु एक्सपर्ट मनु गुप्ता जी। एक बार फिर से स्वागत करेंगे मनु जी का। मनु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत बातें मनु जी आज इस कार्यक्रम के जरिए आप हमें बता रहे हैं। अब आप हमें ये बताएं कौन कौन सी चीज़ें किस किस दिशा में होनी चाहिए डिटेल वाइज। देखिए, एक अच्छे वास्तु के लिए सबसे पहले हमें एक प्लॉट का निर्धारण करना चाहिए, और प्लॉट जनरली रेक्टेंगुलर होना चाहिए, यानी कि आयताकार होना चाहिए, वो सबसे अच्छा रहता है। और उसके बाद उसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम उसका जो ब्रह्म स्थान है उसको खाली करें, क्योंकि ब्रह्म स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यदि इसमें हम वज़न रख देंगे तो वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पर वज़न रख दिया जाएगा, और वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पर वजन रखने की वजह से अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा हमें जो ध्यान रखना चाहिए वो हम शुरू करते हैं ईशान कोण से। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट का कोण, यह सबसे शुभ कोण है, और इस कोण को हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमें इसको या तो खाली रखना चाहिए, या हम यहाँ पर पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा पूर्व दिशा है, यहाँ पर भी हम पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो पूर्व दिशा है वहाँ पर हम किचन का निर्माण कर सकते हैं, या फिर हम किचन का निर्माण साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि आग्नेय कोण में किया जा सकता है। वैसे तो सबसे उत्तम जो स्थान होता है किचन का वो आग्नेय कोण ही होता है। इसी प्रकार से हमारा जो, जैसे हम बच्चों के लिए बात करते हैं कि स्टडी रूम कहाँ हो, तो स्टडी रूम हमेशा वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, या हम नॉर्थ वेस्ट टू वेस्ट भी कर सकते हैं, या वेस्ट डायरेक्शन में भी हम ले सकते हैं थोड़ा जी, सा जी। अब हम मास्टर बेडरूम की बात करते हैं, तो मास्टर बेडरूम जो है वो दक्षिण दिशा में सबसे उत्तम रहता है, और उस बेडरूम में, मास्टर बेडरूम हम उसको कहते हैं जहाँ पर जो मुख्य घर का मुखिया है वह वास करे। तो मुखिया को मास्टर बेडरूम में दक्षिण दिशा में वास करना चाहिए, या फिर हम इसको पश्चिम दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा कि सोने के विषय में, कि जनरली हमने यह देखा है कि अगर मास्टर बेडरूम दक्षिण दिशा में भी है लेकिन फिर भी मनुष्य या जो मुखिया होता है घर का, उसको कुछ प्रकार के रोग रहते हैं, कई बार ब्लड प्रेशर हुआ या हृदय संबंधित और कुछ रोग हो सकते हैं। उसका कारण यह होता है कि वह मनुष्य या वह मुखिया गलत दिशा में सिर करके सो रहे होते हैं। तो ये, यहाँ पर मैं इस बात को और बताना चाहूँगा कि जब हम सोएं तो यह हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो सिर की दिशा है वो किस तरफ हो। बिल्कुल। तो सोते वक्त हमें सिर दक्षिण दिशा की तरफ करके सोना चाहिए, और पैर हमारे उत्तर दिशा की तरफ होने चाहिए। जी, यहाँ पर एक मनु जी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, जिनके लोगों के घरों में स्पेस की कमी है, जगह नहीं है, वो क्या करें?
देखिए, अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो ये परेशानी सभी जगह है। बिल्कुल। तो इसमें हम एक बहुत ही आसान सा उपाय कर सकते हैं। अगर हम श्री रामचरित मानस के 9 पाठ अखंड रूप से अगर हम उस घर में करा पाठ सकें करें। जी। तो वास्तु दोष बहुत हद तक खत्म हो जाता है। या फिर हम कुछ यंत्र होते हैं, स्फटिक की बॉल्स होती हैं, उनको भी हम स्थापित कर सकते हैं। जी, यंत्र कार्य करते हैं। हाँ, यंत्र कार्य करते हैं जबकि वो सही रूप से स्थापित किए जाएं, जी। विधिवत उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाए। प्राण प्रतिष्ठा करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मंत्रों के द्वारा करी जाती है। और यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा जी कि ये जो मंत्र हैं वो काम कैसे करते हैं। शायद ये हमारे जो दर्शक गण हैं उनमें से कई लोगों को नहीं पता होगा बिल्कुल बिल्कुल। कि हम जो मंत्र हैं वो काम कैसे करते हैं। देखिए, मंत्र जो है वो ध्वनि ऊर्जा है। हम जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी ध्वनि ऊर्जा है। मेरे बात करने की वजह से आपके कानों में ध्वनि जा रही है और आपके दिमाग में कुछ परिवर्तन हो रहा हो है। रहा है जी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सपोज मैं एक उदाहरण के रूप तौर पे इसको समझाना चाहूँगा। यदि दो दोस्त हैं और वह दो दोस्त कहीं पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं और उनमें से एक ने अगर किसी दूसरे को आवाज़ दिया, सपोज कहा कि श्याम इधर आ, तो जाहिर सी बात है श्याम उसके उठ पास के आ आए। जाएगा। जी। अब उसने अपना स्वर चेंज करा, उसने कहा श्याम इधर आ, तो शायद जो श्याम है उसका रिएक्शन कुछ और होगा, बिल्कुल, व्यवहार में परिवर्तन आ व्यवहार में जाएगा। परिवर्तन आ जाएगा। जी। मनु जी, बहुत ही खूबसूरत बात है, आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारे तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, हम भी बता दें, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज हैं, आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी, साथ ही साथ नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, आप तुरंत उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। मंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं मनु जी, आप डिटेल हमें बताएं इसमें। देखिए, मंत्र जो है वह हमारी ध्वनि ऊर्जा है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर है, वह सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परावर्तित की जा सकती है। तो साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, यह भी ऊर्जा है। इसको हम सिर्फ परावर्तित ही कर सकते हैं। इस ऊर्जा को न तो कभी ख़त्म किया जा सकता, न ही इसको बनाया जा सकता। यदि मैं आपको कहूँ कि आप अपने शरीर में, मौलिका जी, कुछ हीट पैदा करिए, तो शायद आप क्या कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा वॉकिंग कर सकती हैं बिल्कुल। या आप अपने हाथ को रब कर सकती हैं, तो आपकी हीट थोड़ी पैदा हो जाएगी। बट इसके लिए भी आपने क्या करा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स, अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो आपने इस्तेमाल करी, तो आपने ऊर्जा को परावर्तित किया। इसी प्रकार से जो मंत्र हैं वह हमारी ध्वनि ऊर्जा है। तो जब हम किसी मंत्र को सही उच्चारण के साथ और सही विधि के साथ जब हम बोलते हैं, तो वह मंत्र वही काम करता है जिस पर्पस के लिए वह मंत्र बनाया गया है। जैसे हम बात करें, एक सिंपल सा मंत्र है, सभी लोग जानते हैं, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का एक सिंपल शाब्दिक अर्थ होता है शिव जी आपको नमन। जी लेकिन हम ऐसा तो नहीं कहते, मंदिर में जाते हैं या हम किसी पंडित या पुजारी हैं, हम उनको ऐसा तो कहते हुए कभी नहीं सुनते बिल्कुल। कि शिव जी आपको नमन। क्यों? क्योंकि शिव जी आपको नमन, इसमें वो ऊर्जा नहीं है जो जिस कि आपको जो ओम नमः प्रभावित, शिवाय जो में है। ओम जी। नमः शिवाय में है। इसी प्रकार से ये मंत्र काम करते हैं। और जब हम वास्तु यंत्र या वरुण यंत्र या और किसी यंत्र की बात करते हैं, तो वह यंत्र भी हमें विधिवत तौर पर प्राण प्रतिष्ठित करना चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पहले क्या होता था, जैसे हम अपने युगों की बात करें, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग, तो सतयुग में हम किसी मंत्र का उच्चारण एक बार करके ही वह ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे जिसके लिए वह मंत्र बना था। लेकिन जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ते गए, सतयुग के बाद हमारा त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद हमारा द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद अब कलयुग चल रहा है, तो इन मंत्रों का प्रभाव उतना ही कठिन होता गया। जी पहले वह मंत्र हम एक बार बोल करके ही फल को प्राप्त कर सकते थे। त्रेता युग में
उसकी संख्या बढ़ गई, इसी तरीके से द्वापर युग में और बढ़ गई, और कलयुग में हमें उसी मंत्र के लाखों जाप करने पड़ते हैं, तब हमें उस का रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट प्राप्त होता है। जी, आप हमें बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें किस दिशा में होनी चाहिए, तो आप हमें बताएं कि बेडरूम्स और टॉयलेट्स की दिशा कौन सी होनी चाहिए। देखिए, बेडरूम्स जो हैं वह हमारे साउथ डायरेक्शन या फिर वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं हम और बेडरूम रखते हैं, मास्टर बेडरूम, तो वह वास्तु के अनुकूल नहीं कहलाएगा और हमें उसी प्रकार से परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। और जहां तक हम बात करते हैं टॉयलेट्स या बाथरूम की, तो बाथरूम हम पूर्व के कोण में रख सकते हैं या ईशान के कोण में रख सकते हैं, लेकिन टॉयलेट्स जो हैं वो हम नैऋत्य कोण के वेस्टर्न साइड और साउथ साइड में ही रख सकते हैं, और बाथरूम भी वहाँ रखे जा सकते हैं। मंदिर की कौन सी दिशा होनी चाहिए मनु जी, आप हमें बताएं। मंदिर की दिशा हमेशा ईशान कोण ही होना चाहिए, जो कि सबसे शुभ स्थल माना जाता है, वहीं से ही सभी ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। इसके विषय में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो हमारे उत्तर और पूर्व की दिशा है या उत्तर पूर्व का जो ईशान कोण है, यह हमें हमेशा हल्का और नीचा रखना चाहिए। अगर हमारा उत्तर और पूर्व का जो कोण है वह बाकी कोणों की अपेक्षा, यानी कि दक्षिण और पश्चिम की कोण की अपेक्षा नीचा है, तो वह वास्तु के अनुकूल होता है, और ऐसे घर में वास करने से हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। जी, कई बार जगह की कमी के कारण हमने देखा है कुछ लोगों की स्टेयर्स के नीचे में किचन होती है, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, ऐसे में हम या तो मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर पॉसिबल हो तो देखिए हमें ऐसे में स्टेयर्स हटाना ही चाहिए, वही उचित रहेगा। मतलब वही उचित रहेगा, क्योंकि स्टेयर्स की राय आप देते हैं मनु जी। नहीं, तोड़फोड़ की नहीं, एक स्टेयर्स एक ऐसी चीज है जिसको हम अभिन्न अंग मानते हैं, कि अगर स्टेयर्स ठीक नहीं है तो परेशानी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या करे? अगर पॉसिबल है तो स्टेयर्स को हमें चेंज कर लेना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम उसी के अनुरूप कुछ उपाय करते हैं, हम यंत्र स्थापित कर सकते हैं। और अब सबसे पहले यह भी देखना जरूरी है कि किचन किस कोण में है। स्टेयर्स तो हमारे क्लॉकवाइज होते हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। जनरली इसके लिए हम पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा ले लेते हैं, लेकिन किचन के लिए आग्नेय कोण ही होता है। आग्नेय कोण में हम स्टेयर्स नहीं बना सकते, तो यह देखने का विषय है कि ऐसा है तो क्यों है, उसकी दिशा कौन सी, दिशा कौन सी है। कई लोगों ने अपने बेडरूम्स में ही मंदिर बनाए हुए, क्योंकि स्पेस, जैसा कि मैं लगातार बोल रही हूँ, आज के जो घर है उसमें स्पेस की कमी है, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति क्या करे? देखिए, ऐसे में सिंपल सी चीज़ बस ये करी जा सकती है कि वैसे तो हमें, अगर हमारे घर में चार कमरे हैं या दो कमरे हैं, तो हमें हर कमरे का अलग अलग वास्तु देखना चाहिए। और अगर हमें कारणवश मंदिर की स्थापना बेडरूम में करनी ही पड़ रही है, तो पहले तो ये कि हमें मंदिर को दरवाजे से या पर्दे से ढककर रखना चाहिए, और उसकी स्थापना भी ईशान कोण की तरफ ही करना चाहिए। उस कमरे में भी जो ईशान कोण हो, आप कंपस से चेक कर सकते हैं कि ईशान कोण किस दिशा में, किस दिशा में। चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे आप? संदेश स्वरूप मैं बस यही बात कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, और पहले ये समझें कि जो आपके घर में परेशानी आ रही है वो क्यों आ रही है, और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें या प्लान करें। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, कार्यक्रम के अंत में आप हमारा ईमेल आईडी और साथ ही साथ नंबर भी नोट कर सकते हैं। मनु जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार।